दोस्तों, भोलेनाथ की महिमा से तो सभी वाकिफ हैं। वो इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। हर हर महादेव का जाप तो हर घर में होता है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ खास बातें, जिनको अपनाने से, जिनको करने से भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप लोटे में ये एक चीज डालते हैं तो ये चमत्कार की तरह आपके जीवन में काम करने वाला है। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने के बाद आपको अपने जीवन में खुद ब खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आने लगेंगी जिसे आप चमत्कार से कम नहीं मान सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक खास पसंद है। कहा भी जाता है शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज़ डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में आपकी मनोकामना, आपकी मुराद पूरी हो जाती है। महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके अनुसार दोस्तों, इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट होती है, जिससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिशा में कभी भी जल ना चढ़ाएं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिव जी को जल अर्पण करें। ऐसा कहा भी जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवादिदेव जल को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पण करना चाहिए। जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं अर्पण करना चाहिए। देवादिदेव को जल अभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पण करें। मान्यता भी है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत बड़ी धारा में जल नहीं अर्पण करना चाहिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, इच्छा है, जो पूरी नहीं हो रही हो तो इस महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल ले लें, इसमें कुछ बूंदें गन्ने के रस की डाल लें और सही दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पण करें। साथ ही अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।